तो गाइस मछली के नाम पे मिल गया ये इसको इसको जानती है ऑडियंस की, लेकिन कोई चक्कर नहीं है भाई हमारा। तेरे को पता है सर चेक करो यार, भाई लोग सारे मेरा ऊपर टच होता है इसमें भाई, मतलब मुश्किल से गाइस देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अगेन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं कुछ धमाल माने तो कमाल। आज हम जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आज आपको कोई और बताएगा। आज हमारे साथ है तीन भाई, साहिल भाई, हेलो गाइस, शाहिद भाई एंड लुकमान। गाइस आज हम फिशिंग करने जा रहे हैं, गाइस देख सकते हैं आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और देखते हैं कितनी मच्छी मिलती है हमें। चलो गाइस चलते हैं। चलें फिर, तैयार हो? तो भाई अपने तीनों भाई हैं यार। तो गाइस ये आ गया हमारे पास आटा एंड जो मछली पकड़ने का इक्विपमेंट है वो इनके पास है, जिसको कुंडा बोलते हैं हम। तो भाई आज कुंडा एक ही है लेकिन बंदे चार हैं। तो गाइस कोई चक्कर नहीं, आज हम मछली पकड़ के रहेंगे। आज बहुत दिन के बाद मछली पकड़ने का हमारा प्लान बना हुआ है, तो कुछ इस तरह की जगह पे है, लेकिन हम थोड़ा नीचे वाली साइड जाएंगे आज मछलियों के लिए। यार अभी फोन मेरा गिर गया था, थोड़ा बहुत टूट गया। ये आ गए अपने भाई लोग, अभी हम इसमें ट्राई मारेंगे। ओए सारे के सारे क्या चुप रहना, ठीक है, क्योंकि शोर डालने से ये भाग जाती हैं। तो भाई अभी हम यहाँ पे ट्राई मारने वाले हैं, पहले तो मैं ट्राई मारूंगा यार, क्या पता यहाँ पे हमें फिश मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को जगह दिखी है इस टाइम। यहाँ पे मैंने किसी टाइम बहुत ज़्यादा मछलियाँ वगैरह पकड़ी हैं, तो भाई अभी करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट। अभी भाई कुंडे को आटा लगा रहे हैं। तो गाइस यार अभी पहली बार मछली भाग गई है, लेकिन आज हम इसको पकड़ के रहेंगे। हाँ पकड़ के रहेंगे गाइस, और ठान ही दी है, पकड़ के ही रखेंगे। पक्का पक्का पकड़ेंगे यार, मछली पकड़ के रहेंगे हम, ठीक है ना? हाँ पकड़नी तो है, पकड़नी पकड़नी यार, बहुत हो गया भाई। गाइस अब हम इधर आ चुके हैं, उधर तो मिली ही नहीं अभी, अब देखते हैं इधर ट्राई मारते हैं। तो गाइस मछली के नाम पे मिल गया ये इसको इसको जानती है ऑडियंस, इसको बोलते हैं सप्पा नाई। ओ यार तभी मैं सोचूं भाई, तब से आटा खाने लगी है। साहिल इसको निकाल के फिर से पानी में डाल दे, लेकिन पीछे डालना ठीक है, नहीं तो ये सारी मछलियों को जाके क्या बता देगी कि भाई यहाँ बंदे पकड़ रहे हैं हमें, ठीक है। निकाल आराम से निकालना, मरना नहीं चाहिए, आराम से देखना, आराम से निकालना इसको, ये मरेगा तुझे लगता है? डाल पानी में इसको, अगर भागता नहीं है ये मर गया है। ये नहीं मरते मेरे भाई, ये मछली होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है, बूटी होती है एक। चल लगा आटा यार, मछली पकड़ेंगे यार। तुम कहाँ रखा है तुमने थोड़ी इसको बाल्टी में? ये थोड़ी देर रहने दे इसको, थोड़ी देर फिर उसके बाद डाल देंगे। तो फिर से दोबारा ट्राई करते हैं, और अभी मेरे को मतलब थोड़ी देर में देखते हैं मछली। यार आज मिल ही नहीं रही है यार, साहिल क्या प्रॉब्लम, क्या होगी यार? आज हमारा दिन अच्छा नहीं है, आज अच्छा दिन नहीं है। नहीं तुम कितनी पकड़ा करते थे कभी यार, क्या बताया, ये बाल्टी फुल है ना, फुल कर देते थे किसी टाइम। चलो आज ये देखो, ये भी ये सब पनाही देख के खुश हो गया है यार, बहुत ज्यादा खुश हो गया है। एंड गाइस यार आज लगता है दिन ही पूरा अपना खराब है, तो हमें कोई मछली वगैरह नहीं मिली। एक मिली थी वो बहुत छोटी थी यार, मिनी फिश थी जो मैंने आपको दिखाई थी यार, उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं मिला आज। चक्कर ये था कि यार जो मछली पकड़ने वाले कुंडे होते हैं ना यार, एक कीड़ा हमारे पास भाई लास्ट बचा हुआ था, उसको जंग लग गया था। बट नेक्स्ट टाइम हम आएंगे फुल तैयारी के साथ और 100% फुल पावर मछली पकड़ेंगे, फिशिंग करेंगे, फिर हमारा पूरा दिन का विलाग रहेगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। तो ये अपना भाई है उधर पे, ये लगा हुआ है अभी, ये बोल रहा है कि यार मैं पकड़ के रहूँगा। ओए मिली, इसको भी नहीं मिली, और ये भी दो भी देख रहे हैं उसको, भाई कर क्या रहे हैं ये, है ना, ढेर सारी मछली है लेकिन पता नहीं क्यों यार इस टाइम मिल नहीं रही है। लगता है उन सबका पेट फुल है यार, इतना अच्छा आटा लाया है हमने यार, जो वो छोटी छोटी होती है ना गाइस, वो सारा खा के भाग रही है यार, बड़ी वालियों को पहुंच ही नहीं रहा है। फिर हम परसों आएंगे, मैं भी ये भी इसके लिए भी कुंडा लाऊंगा मैं, फिर तीनों चारों साथ में मिलके मछली पकड़ेंगे फुल पावर। की जगह चेक करो यार, ओ भाई ये नाला, और ये जाके तभी के साथ अटैच होती है, कभी कभी यहाँ फ्लड आ सकता है, फुल फ्लड आ जाता है, बट कोई चक्कर नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं ना धीरे धीरे। ओए चल कर, कुछ नहीं पकड़ सकता आज तू, वो देखो ना ही एक पकड़ गया भाई फिर से, चल निकालेगा ये खुद ही अब इसको। तो भाई निकलते हैं यहाँ, देखा अब कहाँ जा रहा है वो तू, वो पता है कितना गहरा है ये अंदर, डूब जाएगा कहीं कुछ। अच्छा जा 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 आगे थोड़ा, जा 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 अंदर जा, आ ना नहीं ये डूबगा तू, आ
जा जा, हाँ वो खाएगा फिर तुझे। चलो भाई चलते हैं यार, स्विमिंग करते, लेकिन जगह नहीं है यार वैसे कोई अच्छी, यहाँ स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दिस इज आल्सो माय ब्रदर लाइक ए स्नैक, लेट्स गो। एंड तो गाइस हम आ गए हैं नीचे से वापस, अभी थोड़ा सा हमें काम है, हमें बच्चे लेने जाना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय तक, और आज हम करने वाले हैं वैन को ड्राइव। आज तक हमने वैन चलाई भी है बट आज फिर से चलाएंगे यार, बहुत अच्छी फील हो। और आज हमारे साथ है साहिल भाई, ठीक है ना, इनको भी हम लेके जा रहे हैं। इस टाइम ये तैयार त्यूर हो गए हैं निग्गर हिसाब से, इस टाइम इतनी धूप है भाई, एरिया चेक करो सामने वाला, ये सूरज कहाँ है ये दिखा। तो भाई सूरज ने हमारा ना पानी निकल डाल दिया, निचोड़ दिया। तो गाइस हमें मिल गया स्टिंगर, तो बहुत कम लोग जानते होंगे इसको, जो यहाँ के हैं जो भाई ऑडियंस है वो तो जानती है, बट कुछ लोग हैं जिनके यहाँ चीड़े वगैरह नहीं होती जैसे ये वाली है, छोटा सा है लेकिन, बट ये बहुत बड़ी बड़ी लाइक दिस यारी है ना, इसके बनते हैं पाइन ट्री बोलते हैं इसको। तो भाई स्टिंगर को करो बाय बाय, इसको जलाएंगे सर्दियों में, अब आज बहुत गर्म। तो साहिल भाई अपना छोटा भाग रहा है यार, इसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है, हम थके हैं, बहुत दूर से आए हैं भाई लोग, बहुत दूर से आए हैं, इतना दूर नहीं लेकिन आज गर्मी है ना भाई, समर सीज़न भाई ये भी सर पे चढ़ा होता है ना। तो गाइस ये आ गई अपनी ओमी, तो इसको लेके जाएंगे आज हम, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं उनको लेने जाना है, क्योंकि बिकार जो हमारा मामू है ना, तो मामू घर पे काम लगा हुआ है, इसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा आज। तो मैं और साहिल जाएंगे अभी फ़िलहाल, इसको मोड़ेंगे हम, एंड गाइस इसका फील लेते हैं, अभी अभी हम बैठते हैं, साहिल को भी बिठा। फाइनली गाइस अभी हमने की है वैन स्टार्ट, इसको थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट रखते हैं क्योंकि इसको रखना बहुत ज़रूरी है, अभी हम शीशे वगैरह सेट करते हैं यार क्योंकि ये बड़े ज़रूरी होते हैं। तो गाइस अब मोड़ेंगे वैन को, सर चेक करो यार भाई लोग, सर मेरा ऊपर टच होता है इसमें भाई, मगर मुश्किल से है भाई, देख सकते हो हो रहा है यार, किसम से आज तक दूसरी गाड़ी चलाई, कल भी अलग चलाई भाई, लेकिन फील आ जाता है भाई लोग, वैन का मजा कुछ और है, इसके चलाने का तरीका भाई यार नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल कसम से सर भाई, मजा आ जाता है यार साहिल है ना, मजा तो आता है ना ना, नीचे इधर भाई हो, कौन सा वाला, वो नीचे है स्विच जैसा, नहीं बज रहा है लेकिन ये डिवर्शन बड़ा खतरनाक है भाई, इसको यहाँ से हम आराम आराम से क्रॉस करेंगे, नहीं तो भाई गियर नहीं पड़ा था यार, अभी ये डिवर्शन हमने किया क्रॉस बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। तो भाई निकलते हैं यहाँ से अभी, भाई अभी हम स्कूल पहुँचने वाले हैं, खड्डे आगे रोड भी नहीं अच्छा है इतना, तो गाइस यार रोड की कंडीशन भाई, एंड दिस इज द ब्रेक एंड लेट्स गो ब्रो, एंड भाई वैन चला के स्वाद आ जाता है भाई, मजा आ जाता है, जबकि ये गाड़ी तो नेक्स्ट लेवल है ना यार, कसम से फील आता है, बंदे को लगता है कि यार हम गाड़ी चला रहे हैं यार ऐसी, ये तो बाकी वाली जो ऐसा होता है ना जिसमें पावर होती है भाई, वो ऐसे करो यार, इसमें पूरा लगता है भाई कि दैट आई एम डूइंग समथिंग ब्रो, अब चलो ठीक है, आज से कभी कभी हमारे साथ ये भी हमारे साथ ब्लॉग में आएंगे, ठीक है ना, छोटा भाई है कोई बात नहीं है, इतना भी छोटा नहीं है, बड़ा हो रहा है, ये एट्थ में पढ़ रहा है ना, तो भाई ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं यहाँ पे केवी में बच्चों को लेने के लिए, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि भाई दूर दूर से बंदे आते हैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए, और हमने वैन यहाँ पे पार्क कर दी है, और भाई ये भी डैशिंग लग रही है इस टाइम, ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि गाइज इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, ये देखो गाइज लाइटें चेक कर रहे हो यार, ये ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। मैंने सोचा अगर कभी जिंदगी में गाड़ी बाइक या गाड़ी दूंगा ना तो उसको फुल रैप करवाऊंगा इस वाले कलर का। तो फिर गाइज देखेंगे यार कैसी लगेगी, आई थिंक तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर, है ना, आगे वहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे धूप है ना, तो जैसे आएंगे फिर देखते हैं। ओके ओके देन लेट्स गो, यहाँ से आएंगे बच्चे, पता नहीं कब आएंगे और हमें पहचानेंगे ना, तो नहीं भी पहचानेंगे गाड़ी तो पहचान लेंगे ना वो, ठीक है। तो भाई स्नैपचैट पता नहीं क्यों यार मैंने ऐसे ही डाउनलोड किया, भाई स्नैप पे स्नैप आती रहती है यार, बहुत बुरा लगता है। तो गाइस अभी साहिल बताएंगे, बस बोर हो रहे हैं बड़ी देर से, हम बहुत पहले पहुंच गए, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, और गाइस गाड़ी में गर्मी, बाहर उतरेंगे उधर और ज्यादा गर्मी है, इसलिए इधर ही ठीक है हम फिलहाल, है ना। तो भाई लोग वैन का स्टेयरिंग देख रहे हो यार, वो भाई कितना बड़ा है, कसम से फोन में भी नहीं आ रहा है यार, वाइड एंगल में भी नहीं आ रहा है। तो भाई आगे का व्यू भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये भी पूरा नहीं दिखेगा यार। तो कोई नहीं, अभी हमने एक सॉफ्टी खाई यहाँ पे, तो जो कि बहुत अच्छी थी और हमें फ्री में मिल गई, है ना। क्यों मिली फ्री में हमें? बोल, क्योंकि हमने उनको वो पता नहीं क्या 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 फोन की सेटिंग कर की थी, जो हमें बच्चे चाहिए वो मिले ही नहीं रहे हैं यार, है ना, क्योंकि स्कूल में भी छुट्टी तो हो गया है। अभी हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, दो ही बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे ऊपर जा रहे हैं कुछ आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी तक बच्चे तो आए नहीं है यार, अब आई डोंट नो शायद वो आगे के लिए गए होंगे, तो हम थोड़ा बहुत तो 5 मिनट वेट करेंगे, फिर यहाँ से हम चलेंगे सीधा आगे के लिए, ठीक है ना। यहाँ तो धीरे धीरे निकालते हैं गाड़ी, है ना, आगे वाली साइड होंगे। फाइनली भाई लोग हमें सारे बच्चे मिल गए हैं, ये चेक मारो पीछे पूरी गाड़ी लोड हो गई है, ठीक है ना। तो भाई सामने से भी गाड़ी आ गई है, इसको हम 5 शॉट्स देंगे। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा घर के लिए, घर के लिए नहीं जाना है, अभी बच्चों को घर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का, बहुत बड़ा प्लान है आज, बेस्ट में लड़के बुला रहे हैं भाई, देखते हैं अभी वहाँ के लिए चलेंगे हम, क्या सीन रहता है आगे का। तो गाइस एक खड्डे चेक करो यार, क्या खड्डे हैं, ओहो नाइस। एंड गाइस इसका जो स्टीयरिंग है ना, मेरे को सामने से गाड़ी आ रही है भाई, अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो फाइनली भाई लोग अभी हम आ गए हैं वापस, यार इतने पहुंचे मटा में, यहाँ पे हमें भाई के यार उन्होंने इस पर घास लोड कर दिया यार, ये देख रहे हो भाई कितना घास वगैरह डाल दिया इस पर, तो कोई चक्कर नहीं है भाई, जो बच्चे वगैरह थे वो भी उनको भी ड्रॉप कर दिया हमने, वो भी अपने अपने घर चले गए हैं। तो भाई जैसे आप इस भाई भी आने वाले हैं यहाँ पे, जैसे वो आएंगे और फिर हम यहाँ से चलेंगे सीधा नीचे मोड़ के लिए, वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे, एंड फिर उसके बाद जाने वाला भाई बस्ट के लिए। बस्ट में सुनील भारती हमें दिखे थे यार, उन्होंने बोला कि भाई आज कोई प्रोग्राम है वगैरह है, तो फिर चलते हैं बस्ट के लिए। तो घास कुछ इस तरह से लोड किया गया, हमारे साहिल भाई अंदर ही बैठे हैं यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, गर्मी के मज़े ले रहे हैं कि क्या, इस टाइम मौसम भी आहा भाई क्या भाई वाला आ गया है। भाई अभी बस जस्ट यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, आबिद आने वाला। ओ भाई आबिद भाई देख रहे हो इस टाइम क्या मस्त तरीके से भाई घास घूस ले रहे हैं निगर, इन्होंने वैन पे इतना लोड किया है ना भाई क्या बताए। तो गाइस कोई चक्कर नहीं है यार, ये तो भाई देखो मवेशी वगैरह खाते हैं, ये बोल रहे हैं भाई बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन कोई चक्कर नहीं है भाई, हमारे तेरे को पता है मेहनत करनी चाहिए यार बंदे को। तो भाई घास शास उतर गया, ओ भाई यार इस टाइम मौसम बन गया बारिश वाला, एंड किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है, ओ भाई लेकिन क्या भाई, मेरे को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है यार, जो ये देखो बादल होते हैं ना यार, जो ब्लैक एंड व्हाइट, ये मतलब माय फेवरेट यार, इनको देख के ना भाई सुकून मिलता है यार कि वाओ भाई ओपी। एंड इस टाइम 10 मिनट या 15 मिनट के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी, वो सामने वाली साइड चेक करो, वो जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं जुगधार, जुगधार भाई इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ यार एक ना एक दिन वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, चक्कर लगाने पक्का जाएंगे वहाँ, और भाई जगह बोलते हैं भाई नेक्स्ट लेवल है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पक्का जाएंगे। तो गाइस अभी आ गई अपने पास बाइक पे, और वहाँ पे इसकी हमने हटाई क्योंकि वहाँ पे अभी भाई ने अपनी गाड़ी लगाई है। गाइस अभी हमने जूस एक ले लिया है अभी भाई से, तो छोटे राइडर, तो भाई ये पक्का एक दिन बहुत बड़ा राइडर बनेगा, बनना है राइडर, बाइक नहीं चलानी है कभी आपको, बनना यार आपको बैठना चाहिए था इधर, फिर ऐसे कैसे बनोगे भाई, ये दोनों राइडर बनेंगे, ये तो पक्का बनेगा ना, पक्का डन है। फिर भाई मामू को देख के भाई, वो देखो राइडर बहुत बड़ा राइडर है ये, ठीक है मामू की तरह राइड करनी है, बड़ा वाला राइड, इससे भी बड़ा बाइक लेना, इतना बड़ा लेना है, ठीक है। तो वो निकलते हैं भाई लोग यहाँ से, ओ भाई इसको थोड़ा लंबा काटा लगता है भाई वैन को, मतलब थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ता है, बड़े बहुत खड्डे आते हैं यार यहाँ, ये देखो भाई कट मारने पड़ते हैं फिर, ठीक है ना, चक्कर रहे हो भाई चक्कर रहे हो, ओ
भाई मॉन्स्टर है भाई मॉन्स्टर, ये भी नहीं मानती है भाई लोग। भाई ये देख रहे हो, ओ हो, थोड़ी स्लो करनी पड़ जाएगी इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे रोड की कंडीशन भाई चेक करो यार, चेक करो। ओ भाई ओ यार, यहाँ पे चलते हैं। ओ एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये वाइपर मार लेते हैं, ऑन हो जा, हो गया भाई, करते हैं इसको ऑफ। एंड भाई ये देखो, ओ शिट, एंड लेट्स गो भाई, देख रहे हो भाई 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 वैन भाई, नेक्स्ट लेवल है यार। एंड रोड देख रहे हो भाई, किसी जगह भाई इतना सही है ना यार कि क्या बता। पे एक छोटा सा कर्व है जिसको देखिए आप, देखना कैसे करती है वैन। ओ ओ हो भाई, फुल पावर एंड थोड़ा सा एक्सेलरेटर देते हैं इस टाइम इसको। तो भाई ये देख, ओ ओ भाई ये क्या था भाई, क्या था, ओ भाई। एंड गाइस पेड़ शेड़ निकल रहा है यार, मजा आ गया यार आज सामने भाई स्कूटी वाले भैया, ओ हो इधर उधर टहल रहे हैं इस तरीके से। घर एंड ये लो चाबी कीज़। ओ गाइस मैं आ गया, मुझे थोड़ा